अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्विज नंबर 3 का सॉल्यूशन। बट क्विज शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। दैट इज़ यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कैन बी कम्प्यूट एज, उसका फॉर्मूला यानी आपकी शीट टाइप दिया हुआ है आपके हैंड आउट्स में। यूनिट्स कंप्लीटेड इन द डिपार्टमेंट प्लस यूनिट स्टिल इन प्रोसेस प्लस यूनिट्स लॉस, नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी हायर देन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इफ प्रोडक्शन यूनिट्स ग्रेटर देन होंगे यूनिट सोल्ड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पर कर लेते हैं, मैनेजर सबमिट्स अ प्रोडक्शन रिपोर्ट दैट शोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये सारी चीज़ें शो करवाता है, यानी इस प्रोडक्शन रिपोर्ट में होती है, जो नहीं होती वो होती है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 4 पर, ये है हाफ कम्प्लीटेड 100 यूनिट्स कैन बी रिगार्डेड एज, यानी हाफ कर दें 100 का तो 50 होता है, तो सो 50 इक्वालेंट कम्प्लीटेड यूनिट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आ जाता है अ प्रोडक्ट क्रिएटेड विद द मेन प्रोडक्ट वेयर द सेल्स वैल्यू डज नॉट कवर इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर, यूनिट्स विच हैव बीन स्टार्टेड बट हैव नॉट बीन कम्प्लीटेड टिल द एंड ऑफ द पीरियड आर कॉल्ड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर हमारे पास बनेगा 7। ओके जी, इक्वलेंट यूनिट इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड आर 2000 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट गिवन है, देन रिक्वायर्ड इज़ आइडेंटिफाई द कॉस्ट पर यूनिट विद द हेल्प गिवन इन्फॉर्मेशन। आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ये हो जाएगा 50 प्लस 40,000, हमारे पास हो जाएगा 90,000। उसको आपने क्या करना है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है 2000, उसे डिवाइड कर देना, यानी 90,000 डिवाइडेड बाय 2000 करेंगे तो आपके पास 45 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगा, ये इसकी प्राइस हो गई है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर, इफ वन वुड प्रिपेयर अ ग्राफ विद अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंटिंग यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अ वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंटिंग पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, हाउ वुड अ लाइन रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज ड्रॉन एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन इसे ड्रॉ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूट टू मीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, फिक्स्ड कॉस्ट को मीट करने के लिए किया होता है। और नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट एक्यूमुलेशन मेथड प्रोसेस कॉस्टिंग। अब ये देख रहे होंगे आप कि आपके पास जो कॉस्ट की बात आ रही है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की बात हो रही है, और फिक्स्ड कॉस्ट इस तरह से मैथ कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो आइडिया हो गया होगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके क्विज में आ सकते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया 3 to 4 या मैक्सिमम जितने आप क्विजेज देख सकते हैं डिफरेंट चैनल्स पर, डिफरेंट वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं। इससे एक तो आपकी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, साथ साथ आपका लेटेस्ट क्विज जो होता है वो अच्छा हो जाता है, बिकॉज इसके मार्क्स भी ऐड होते हैं आपके जब मार्क्स बनते हैं, GP वगैरह बनती है। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।